दोस्तों आज हम बॉलीवुड के ऐसे कोरियोग्राफर के बारे में जानने वाले हैं जिसने कभी शादी नहीं किया, लेकिन उनके बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको माँ बुलाते हैं। जी हाँ, आप सही पहचाने, हम बात कर रहे हैं गीता कपूर की, जो लोग प्यार से उन्हें गीता माँ बुलाते हैं। बैकग्राउंड डांसर बनने से लेकर डांस दीवाने के जज बनने तक का सफर कैसे उन्होंने तय किया, आज इस वीडियो में हम गीता कपूर की लाइफ से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद ही आप नहीं जानते होंगे, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। गीता कपूर जिन्हें कभी गीता माँ के नाम से भी जाना जाता है, गीता माँ का जन्म 5 जुलाई 1973 को महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। वह एक नर्तकी और फिल्म उद्योग से एक सफल कोरियोग्राफर है। वो अपने बेहतरीन डांसिंग टिप्स से कई फिल्मों और कोरियोग्राफर कर चुकी है। वह टेलीविजन पर कई डांस और रियलिटी शो को जज भी करती है। गीता कपूर कभी बच्ची थी तो उन्हें नृत्य करने की तीव्र इच्छा थी। वह कभी कभी पारिवारिक पार्टियों के दौरान दिखाई देती थी और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेती थी। गीता कपूर की बॉलीवुड में पहली डांस गीता कपूर ने शाहरुख खान और काजल की फिल्म कुछ कुछ होता है में तुझे याद न मेरी आई गाने पर परफॉर्म किया था। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में काफी काम किया और कई लोगों को कोरियोग्राफर भी किया था। हिंदी सिनेमा के मशहूर डांसर गीता कपूर आमतौर पर सुपर डांसर शो का मूल्यांकन करती है। वहीं शिल्पा शेट्टी के साथ कई डांसों में नजर आ चुकी हैं। गीता माँ हर शो के लिए करीब 12 से 15 लाख रुपए की चार्ज करती हैं। दोस्तों गीता कपूर का नाम पहले मशहूर कोरियोग्राफर राजीव खिच्ची से जुड़ा था, जिन्होंने लाल रंग का गाउन पहना हुआ था, लेकिन गीता ने अपनी शादी की खबरों का खंडन किया था। गीता का मानना है कि फारा खान उनकी सरोगेट माँ है। साथ ही गीता का सुपरस्टार शिल्पा शेट्टी से भी खास कनेक्शन है। बात करें गीता कपूर की शादी की तो गीता कपूर ने अपनी शादी का आरोप को नकारते हुए कहा कि अगर वह शादी करती भी तो इस बात को उसे छिपा कर नहीं रखेगी। कपूर ने एक अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी आदर्श फारा खान के साथ काम करना बहुत पसंद करती है, वह उनसे सीखना चाहती हैं। फारा खान की डांस अकादमी में शामिल होने के बाद गीता ने सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है में कई अन्य सुपरहिट फिल्मों में सहायक और कोरियोग्राफर के रूप में सहायता की है।